नमस्कार, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी है। जो आज का दिन है अपने आप में एक अलग दिन है, क्योंकि जब से लखीमपुर खीरी वाली जो घटना घटी है, तमाम लगातार यहाँ पर सुरक्षा, जो भी सुरक्षा प्रावधान होता है उसका ध्यान रखा गया। यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर दिए, अंदर जाना है क्या माहौल है, थोड़ा गाजीपुर का दिखाना है। मैं बता दूँ आपको, रात के अभी ग्यारह बज के आसपास की तस्वीरें हैं ये गाजीपुर से, आप देख रहे हैं। तमाम यहाँ पर देख सकते हैं जो आंदोलन लगातार चलता रहता है गाजीपुर पर, यहाँ पर हम लोग मौजूदगी है। जो वहाँ पर घटना घटी है लखीमपुर खीरी में, किसानों के जो वहाँ पर जो मंत्री थे, उन्होंने हालिया में एक भाषण भी दिया था किसानों के विरोध में। उन्होंने कहा था कि जो रास्ता रोके हैं 10 से 15 लोग हैं, उनको लाइन में लगाने में मुझे बस 2 मिनट लगेंगे। किसान संगठन के नेता हैं डॉक्टर दर्शन पाल जी ने, उन्होंने भी कहा था कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, बस हेलीपैड जो था उसका थोड़ा विरोध किया था, और उसी को लेकर के वहाँ पर घटना घटी है। क्या लगता है सर, जो घटना वहाँ पर घटी है कैसे देखते हैं? रात की गाजीपुर की तस्वीर सर थोड़ा सुनसान है, राकेश टिका जी पहुँचने वाले होंगे, क्या देखते हैं आगे आने वाले, कल का दिन कैसा होने वाला है? रोष का मामला है, रोष है आज जितने भी हमारे गाजीपुर बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है, सिंधी बॉर्डर है, सभी पे रोष मना रहे हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई है, बहुत गड़बड़ है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए था। अगर वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे हमारे किसान भाई तो इनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, तो ये मंत्री के आड़ू लेने आया था वहाँ, क्या करने आया था ये मंत्री जब प्रोग्राम ही कैंसिल था? और जाते हुए किसानों पे गाड़ी चढ़ा देना, उससे 2 दिन पहले भाषण देना कि देख लूंगा मैं, पुराना रूप दिखा दूंगा, क्या था ये, गुंडा था या ये मंत्री बना रखा था प्रदेश सरकार ने? ऐसे ही एक खट्टर का बयान आया कि बीजेपी वाले तैयार रहो लट डंडे लेके, और 6 महीने में जेल चले जाओगे, नेता बन जाओगे। तो सरकार कान खोल के सुन ले, अभी क्या भरा नहीं है इनका। 700 किसान पहले जा चुके हैं, आज 5-6 किसान हमारे चले गए, घायल हैं, और जो भी वो कार्यकर्ता भाजपा के हों या जो भी थे तो वो किसी के बच्चे, तो उनके साथ भी ये गलत हुआ, गाड़ी पलटी, आग लगी गाड़ी में, ये जो भी घटना हुई वहाँ। लेकिन एक नेता जो केंद्रीय मंत्री स्तर का है, एक अलग वैल्यू रखती है उनकी, हर एक शब्द का बयान होता है, वैल्यू होती, वजन होता है, वो कैसे कह सकता है कि 10 से 15 लोग हैं, मैं अपनी पर आ गया तो 2 मिनट में इनको लाइन लगा दूंगा, इनकी औकात दिखा दूंगा? ऐसे जो तालिबानी दिमाग के लोग हैं, उन्हें सत्ता से बाहर कर देना चाहिए जनता को। और ये एक नहीं है, ऐसे दर्जनों हैं पार्टी में, तो यही कहना चाहेंगे कि इन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी सोच के लोगों को, ऐसे अधिकारियों को जो सत्ता में के दबाव से अधिकारियों को भी चलाते हैं, तो इसका हिसाब होगा। आज गाजीपुर बॉर्डर पे बहुत रोष है, खाना भी नहीं खाया शाम का, जहाँ किसान भाई हैं जो भी यहाँ पे, और गांवों से लोग चल दिए हैं, उनको अभी रोका गया है। तो कल का यहाँ का थोड़ा माहौल बदलने की अनुमान है आपको? हाँ बिल्कुल, देखो दुख की घड़ी है, जैसे भी होगा वो, जो भी डिसीजन होगा संयुक्त किसान मोर्चे का, कल का डिसीजन ये है कि सभी प्रदेशों में, कई राज्यों में कलेक्ट्रेट घेरी जाएंगी उसका। क्योंकि मैं लगातार पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, मैं आप लोगों को बता दूँ, लगातार यहाँ पर राकेश टिका जी हो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, वो अलर्ट कर रहे हैं बीक्यू के जो भी वहाँ के लोग हैं कि आगे रणनीति जो भी होगा, फैसला लिया जाएगा, सभी लोग अलर्ट पर रहे, कोई भी फरमान जारी हो सकता है कि जो भी चीजें होंगी, जगह जगह किसान अपना टोल प्लाजा हो। राकेश टिका जी जब यहाँ से निकले थे, गाजीपुर थे लखीमपुर खीरी के लिए, तो हर जगह अमरोहा हो, हर जगह टोल प्लाजा पर रुकते जा रहे हैं, वहाँ के किसानों का समझाते हुए, आने वाले मतलब कल या आज में जो फैसला होगा, जो आगे से संदेश आ सकता है किसान मोर्चा का, वो सारी रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जा सकता है। क्या लगता है कि लगातार टिकैत जी अलर्ट पर रहने के लिए बोल रहे हैं बीक्यू के सारे लोगों को, गड़बड़ा रही है? अलर्ट तो किसान है ही, ये सरकार भी अपने दिमाग खोल ले, या तो सही रास्ते पे आ जाए, नहीं तो अब क्रांति शुरू होगी। और ये अगर यही चाहते हैं मोदी, योगी, अमित शाह और खट्टर जैसे मुख्यमंत्री, तो फिर खुल के आए और बैरिकेटिंग खोले, फिर पता चलेगा दिल्ली क्या होता है।
चलिए लगातार आप देख रहे हैं गाजीपुर की तस्वीरें हैं। अभी तो आपको मेरे पीछे कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे होंगे, ऐसा लगा रहे हैं। राकेश टिकैत जी बोले हैं अलर्ट पर रहिए, कोई भी फरमान आ सकता है, जगह जगह किसानों का विरोध कर रहे हैं, टोल प्लाजा हर जगह। लेकिन जो DS4 की टीम है लगातार बनी हुई है, रात के 11:30 बजे की तस्वीर है ये, हम लगातार बने हुए आपके साथ, हर एक खबर पल पल की अपडेट लगातार DS4 की टीम आपको देती रहेगी। नमस्कार।